तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और गाइस, बहुत ही तगड़ी न्यूज़ आई है। फौजी जो इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो फाइनली प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया है। और उसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन रुको, जरा सब्र करो, अभी मत जाना, क्योंकि अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो एंड होने के बाद जाना और पूरी डिटेल्स देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं इस गेम की, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। आजा बंदे, बस मेरे को ज्यादा और गंदे आ मानो रहे या ना मानो यार, जब भी पोचिंग की मैं आता हूँ ना, मतलब तबाही, क्या ही तबाही मचाता है आपका भाई, बस देखते जाओ। अब यहाँ पर फिलहाल तो सामने काफ़ी वाले ज़्यादा वाले फुर्सत बंदा से वो आ रहे थे, लेकिन एक बंदा जो है डिस्कनेक्टेड था यहाँ पर। लेफ्ट तो सबसे पहले इसको टपकाते हैं। अब इसको टपना टपकाने के बाद इसको टपकाने के बाद हम जो है आगे चलते हैं, क्योंकि इसका टीममेट जो इसी घर के अंदर था। और अच्छी बात तो यह है कि जैसे हमने पोचिंग के में लैंड किया, हमको बहुत जल्दी जल्दी लूट मिल गई। अब बंदा जो है इस घर के अंदर तो नहीं था, ठीक है ना, तो वहाँ से निकल लेते। अब यहाँ पर सीन ये था कि ये जो 3 स्टोरी है ना, इसके सेकंड फ्लोर पे बंदा था, तो मेरे को वहाँ पर जाना था। तो देखो यहाँ पर क्या करते सेकंड फ्लोर पे हैं, आ गया अभी। अब सोचता हूँ कि जंप करके जाऊँगा, देन खिड़की से एंटर करूँगा, ठीक है। ये देखो क्या होता है, मतलब गजब बेइज्जती है मेरे भाई। साइड वाले घर में बंदा अब अच्छा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ से। मैंने मुझे नहीं पता ये स्टन क्यों उठाया, ठीक है ना, और इसका मैं यूज़ भी अभी करता देखिए, हूँ, दो जो बंदे यूज़ सामने होता खड़े ही नहीं हैं। होता उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा है, ठीक है ना, टीपी भी ले रहा है। नीचे देखो एक बंदा उसके पास गन कौन सी छोड़ मुझे रहा है, नहीं पता थी, छोड़ मुझे रहा है। चेक करनी थी, तो इसलिए मैं जो है एक बार एक फायर किया। अगर उजी होती थोड़ा मेरे लिए दिक्कत जाती, क्योंकि उजी इस टाइप के रेंज में जहर होती भाई, जहर, किंग कोबरा के जहर जैसी होती उजी। इनको सही काफ़ी बात आसानी से, मतलब मक्खन की तरह, बटर की तरह इनको जो है निपटा दिया अपन ने। इनके पास से वायरल उठाते हैं, है, और बंदा यहाँ पर जो बंदा नेड पे नेड करे जा रहा है, कते आतंकवादी बने जा रहा है भाई, इसका आतंक वो भी अपन ले रहा ख़त्म है। करेंगे। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, मैं हैपर को बोलता हूँ कि भाई रुक जा, मेरे को हीलिंग करने दे, जब तक कौर में रही हो। और जैसे मेरी हीलिंग हो जाती है, मैं हैपर को बोलता हूँ कि एक काम कर मेरा भाई, तू क्या कर, उसको थोड़ा सा एंगल दे, वो पीक करेगा। और जो उसका मुंह तोड़ा है ना आपके भाई ने, बस उसके बाद तो भाई क्या ही बताया, उसकी नानी याद उसके आ गई। अब यहाँ पर हम जो कूदते हैं, कूदते नहीं, हम यहाँ पर कूदते हैं, लेफ्ट से और कूद देखो रहा किसे है। मारते हैं। आए हाय, क्या ही हेड मारा है। और यहाँ पर देखना आपके भाई के रिफ्लेक्सेस यहाँ पर, मतलब अभी और एक एक मिनट बाद, ठीक है ना, एक बंदा जो है हमारे ऊपर पुश करेगा मैं इसी घर के दिखा अंदर, देता हूँ उसको। तब आपके भाई के जो रिफ्लेक्सेस होते ना यार, ये मतलब अभी कतई वाला जो है जहर, ना, मैं को खुद ये बिलीव उसके नहीं पास हुआ, से कैसे मारा भाई, पूरा 360 घूम के मारा उस बंदे को। रोड साइड अब वाले यहाँ बंदे पर आ जो है गए, पीछे बंदा था, देन रोड साइड से एक बहुत बॉट ज्यादा आया, और 3 स्टोरी में बंदा था, मतलब चारों तरफ से हमको घेर के पीछे रखा वाला था। आ रहा हमको भाई। हर जगह से ध्यान रखना था कि किसी को भी एंगल हमारे ऊपर ना मिले। नीचे आपके घर के नीचे अब बंदे ने हाइपर को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, तो हाइपर जो ऊपर आ जाता है। साले मुंह उठा के चला आया, भंडारा चल रहा है इधर नूबड़े। तो वाइपर को मारने के लिए आया था, ये सोच के कि उसकी हेल्थ कम है तो मार देंगे। भाई मेरे बॉट का किल चुराया, पूरा डैमेज मैंने दिया, एक गोली मारी सरामी ने, इसको तो कुत्तों की तरह मारेंगे। और यही वो बंदा है ये जिसको तो ज्यादा से 360 कम काम घूम हो के गया मारा है, भाई। बस देखते जाओ। अब पहले चेक करता हूँ कहीं वो पीक तो नहीं करके रखा है हमारे ऊपर, नहीं करता है, ठीक है ना। तो आगे आगे चलते धीरे धीरे, क्योंकि इसने हमारे बॉट का किल चुराया है। भाई तू मेरे बंदे का बंदे किल बंदे चुरा रहा, ये चलता, लेकिन तूने बॉट का किल चुराया है, जो कि बहुत गलत है, ग्यारह बंदे, बस देखते जाओ। ग्यारह मूवमेंट देखो बंदे बस भाई, क्या था ये, लिटरली एक कमेंट कर देना यार, कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता। और वीडियो भाई रखी है। पहले यार, मतलब वीडियो डालते ही 100-150 कमेंट आ जाते थे भाई, अब क्या कर रहे हैं यार आप लोग, कहाँ सो गए क्या सब लोग, मतलब आजकल कमेंट वमेंट करते नहीं यार। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना, आप चेक भी करते होंगे, और जो मुझे पसंद आता है उनको मैं पिन करता हूँ डेली, देखना आप, हर वीडियो में कोई ना कोई कमेंट पिन होता है, तो आप कमेंट करा करो, अच्छा लगता है पढ़ने में, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हाइपर बोलता है कि, हाइपर को मैं पहले बोलता हूँ कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, चलते, लेकिन फिर बाद में वो बग्गी दिखती है यहाँ पर, तो फिर पता लेफ्ट चले में यहाँ बग्गी पर तो निकली, बंद लेफ्ट है। में बग्गी, और यहाँ पर उसका तो एक हो और रहा है बग्गी बंदा, निकलती है लेफ्ट साइड से, उसका एक बंदा उतारता हूँ मैं। अच्छा
अब ऐसे तो काम बनता नहीं अपना, तो अपन क्या करते हैं पुश कर देते हैं। और हाइपर ने जो उनकी गाड़ी के ऊपर अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो वो बंदे जो रुक गए। और इसको चलती गाड़ी से मैंने जो डैमेज दिया ना यार, बिल्कुल मुंह तोड़ दिया इस बंदे का। बस देखते जाओ, हाथ में M4 और अपन गाड़ी पे, और तो भाई क्या पूछने वाली बात है। अब इसका मुंह टूट चुका था। इसका जो टीममेट है ना, वो जो सामने पेड़ है, लाइक राइट साइड में जो पेड़ है ना, वहां पर उस पेड़ के नीचे लेटा था। तो बस उसको लेटा देते हैं लॉबी के अंदर। ये लेटा साला, एक चीज को समझ नहीं आती बस, ज्यादा मत मारियो भाई लेट ना। ये तो पबजी में काय को आते हो, घर पे जाओ, बेड पे जाओ, लेट जाओ, आओ ही मत। काय को इंटरनेट वेस्ट कर रहे हो, गजब बेइज्जती यार। तो यहाँ पर जो अपन लाइक ड्रॉप के लिए आते हैं, और मेरे को पहले लगा कि लेफ्ट साइड में जो बग्गे ओवर बंदे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो तो स्पॉन है। और यहाँ पर अपने को मिल जाती है AWM की एमओ, हेलमेट, वेस्ट। हेलमेट तो अपने पास था, लेकिन वेस्ट मिल जाता है। वेस्ट अपना जो डैमेज कर दिया था बंदों ने, तो उठा लेते हैं टपा टप सब कुछ। और वही बग्गे लेके आए पर आ जाता है, तो बस निकलते यहाँ से यार, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अपने को चाहिए किल्स। अब यहाँ पर जो उसका हाइपर का जो रेंडर हो रहा था, तो पता चलता है कि सामने से जो एक गाड़ी जा रही थी। और इन बंदों को क्या ही मारा है यार, मतलब बस देखते जाओ। और इनसे अच्छा नेक्स्ट गेम प्ले जो आएगा ना, मतलब कल जो गेम प्ले आएगा उसमें तो क्या ही तबाही मचाई है, बस देखते जाओ। वो कल का गेम प्ले भी आज ही रेडी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। रीज़न आपको बताऊंगा मैं। देखो गाइस, अभी जो है मेरे को वीडियो में बिल्कुल भी डिले नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी हो जाए वीडियो लाताऊ, ठीक है ना। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर से करते ना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अभी इन बंदों के पास काफ़ी ओपी वाली जो है स्किन थी, तो भाई देखते हैं अपन अच्छे से कि भाई ये तो देखी नहीं अपन ने पहले। आई थिंक ये KR वर्जन वाली स्किन थी। अब यहाँ पर जो है अपने को बंदे दिखते हैं जो कि अपने पास ही देख रहे थे, ठीक है ना। तो बस इनके पास भी ओम थी, अपने पास भी ओम थी, इनके पास गिली सूट था, अपने पास गुलगुली सूट था, तो बस देखते हैं क्या होता है। अब बंदों में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो उनको ठंडा करते हैं क्योंकि अपन एक कूल गेमर तो बस इसी मजाक कर रहा था गाइस। और इन बंदों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप वॉप लूट के रखा था, पहला शॉट मिस होता है। और ये भी मेरे पे ओम का शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा वेस्ट किया हमने टाइम, क्योंकि हाइपर जो इमीडिएटली नहीं आया, कुछ कर रहा था, मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। आई थिंक उसने जो दूसरे बंदे को जो अच्छा खासा डैमेज दिया है, और उस डैमेज देने का फ़ायदा बस देखते जाओ। मैं हाथ में ग्रेनेड कुक करता हूँ और फेंकता हूँ, ठीक है ना, M4 सिंगल टैप पे। ओ भाई अभी लग जाते हैं हर गंदे वाले, और आई थिंक सो, ठीक है ना, अगर बंदे इधर की जगह पे उधर की साइड भागते तो दोनों के दोनों ग्रेनेड से फट जाते। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचे सिर्फ दो बंदे जो कि यहाँ पर नीचे हमको दिख जाते हैं ड्रॉप के पास। खुजली देखो, लास्ट जोन में दो बंदे बचे, इनको ड्रॉप लूटना है। रुको बेटे, अब भी तुम्हारी खुजली मिटाते हैं। आप कमेंट कर रहे ये मत बोलना कि भाई तुम इजगार्ड हो क्या, नहीं है हम इजगार्ड, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम खुजली मिटाते हैं। अब एक बंदा तो टपका दिया, बारी दूसरे की। और यहाँ पर मेरे को हाइपर जो है चैलेंज करता है कि ओम से ट्राई करो, मतलब चैलेंज ही समझ लो आप उसे, ठीक है ना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई वो अपना चैलेंज पीछे ले लेता है और बोलता है कि भाई नहीं, M4 से मारो, अब ना हो पाएगा, मैं तो नॉक हो गया। लेकिन फिर भी आपके भाई ने ओम से ट्राई किया, और अपनी क्या ही बताए, बस देखते जाओ यार, बहुत बुरा लगा हमको। एक फटका पड़ा है इसको गर्दन पे। M4 निकाल लो। हाइपर यहाँ पर बोलता है M4 निकाल लो, मैं नॉक हूँ। लेकिन नहीं रहे छोटे, इजी टेक इट इजी मेरे भाई। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।